हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, थैंक यू सो मच। और जो भी नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, हाय माय नेम इज़ निशा शर्मा फ्रॉम जम्मू। और अब वीडियो पे आई गए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो टुडे की लुक है, आज ही है, सी व्हाट एन अमेजिंग लुक। मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ये लुक क्रिएट किया है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो और देखते हैं हाउ आई क्रिएट दिस लुक। और प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि मैंने ये लुक कैसी क्रिएट हुई है, कैसी लग रही हूँ मैं इस लुक में। जी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बश गॉर्जियस बाय निशा कोल। एंड चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं कर रही हूँ फेस मेकअप और फर्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की प्राइमर, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। उसको अप्लाई करने के बाद मैं ले रही हूँ लैक्मे की फाउंडेशन और उसको हाथ पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद विद दी हेल्प ऑफ फिंगर डॉट डॉट मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। और आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश। और फर्स्ट टाइम जब से मैंने ये ब्रश इसका सेट लाया, मैं तब से फर्स्ट टाइम इस ब्रश को अप्लाई कर रही हूँ फॉर द फाउंडेशन। तो ब्लेंड तो अच्छे से किया था बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद ब्रश ही, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा चुभ रहा था मुझे फेस पे। तो इसके बाद मैंने ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया था बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस ब्रश। और आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉन्टोर। इसके बाद मैंने कंसीलर और पाउडर कर दिया था। आई डोंट नो मेरे फ़ोन को क्या हो रहा है, बार बार वीडियो डिलीट हो जाती, मुझे बाद में पता चला, बट चलो अब जैसा है वैसा देख लो। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ कॉन्टोर, जहाँ जहाँ पर मेरे फेस को मुझे शार्प दिखाना है या पतला दिखाना है मैं वहाँ वहाँ पर क्रीम कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। और विद दी हेल्प ऑफ ब्लेंडर ही उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी। आई एम कम्फर्टेबल विद दी ब्लेंडर सो मच एज़ कम्पेयर टू ब्रश। मुझे आई डोंट नो बट मुझे ब्रश से, आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दी ब्रश। ब्लेंडर से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है तो आई थिंक मैं ब्लेंडर ही अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रीम ब्लश, जो कि मैं एक लिपस्टिक का लगा रही हूँ। मेरे पास कोई अलग से क्रीम ब्लश कुछ है नहीं, आप लिपस्टिक को भी एज अ क्रीम ब्लश अप्लाई कर सकते हो, जुगाड़ करना चाहिए। और उसको मैं ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ पाउडर कॉन्टोर जो है शुगर कॉस्मेटिक से। तो अपने क्रीम कॉन्टोर को मैं सेट कर लूँगी, जहाँ जहाँ पर मेरा क्रीम कॉन्टोर है वहाँ पर मैं पाउडर कॉन्टोर लेके उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लूँगी पाउडर ब्लश एले कलर की पैलेट से, ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट से। तो क्रीम ब्लश को मैं पाउडर ब्लश से सेट कर रही हूँ। और आफ्टर दैट मैं ले रही हूँ पाउडर और अपने लोअर लैश लाइन के अंडर एरिया पर पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मैंने आई मेकअप करना है इसके बाद तो जो भी फॉलो तो मेरे बेस खराब ना करे। और इसके बाद मैं ले रही हूँ हुली ब्रश और उससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप दे दूंगी और सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ मैंने अपने ब्रोज के लिए डार्क ब्राउन शेड ली है, पैलेट से ही लिए मैंने वो शेड और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आज
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब हो पाया पॉसिबल या नहीं हो पाया। आई डू माई बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है, बट लेट्स सी, देख आप देखिए क्या किया मैंने। तो बस ये वाला लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, आप देखो आगे। ब्लू काजल लेके मैंने अप्लाई किया हुआ है, कोशिश तो बहुत थी बट आई थिंक थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है मेल जोल। और इसके बाद मैं ले रही हूँ एक गोल्डन सी पिगमेंट, पहले बेस पे अप्लाई करूँगी गोल्डन वाली पिगमेंट, और इसके बाद मैं लूँगी ग्लिटर, फ्लफी ब्रश पे ग्लिटर लेके उसको अप्लाई करूँगी। आफ्टर दैट ग्लिटर लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैं लगा रही हूँ वाइट काजल, थोड़ा अपनी आँखों को इन्हेंस करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने जो है गोल्डन काजल से लगाया था, बट आई डोंट हैव गोल्डन काजल। तो इसके बाद मैंने ग्लिटर, मेरे पास एक ग्लिटर वाला आईलाइनर था, मैंने उसी से अपने लोअर लैश लाइन को इन्हेंस किया थोड़ा। और उसके बाद मैं ले रही हूँ हाइलाइटर, अपने इनर कॉर्नर पर हाइलाइट कर दूँगी आँखों की, ताकि मेरी आँखें और ज़्यादा खिल के निखर के इन्हेंस हो के आएँ। आफ्टर दैट मैं अपनी लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ। प्लीज़ इग्नोर दी मक्खी, ये मक्खी मुझे बहुत तंग करती है, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन बस आ जाती है एवं दिमाग ख़राब करने। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ हाफ एंड हाफ का वाटर प्रूफ मस्कारा, और मस्कारा अप्लाई करने के बाद लोअर लैश लाइन पर भी अच्छे से ब्लेंड लगाएंगे मस्कारा। जब आप लोअर लैश लाइन पर मस्कारा लगाते हो तो प्लीज़ केयरफुली लगाएं, ताकि आपकी बेस ख़राब ना हो। और इसके बाद मैं ले रही हूँ माय फेवरेट हाइलाइटर, स्विस ब्यूटी का स्टिक हाइलाइटर, और उसको मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट दिखाना है वहाँ वहाँ। और इसके पीछे एक ब्लेंडिंग के लिए पफ सा आता है, मैं उसी से अपने हाइलाइटर को जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और एट लास्ट मैं ले रही हूँ माई फेवरेट मार्स कॉस्मेटिक की सेटिंग स्प्रे, ऑल टाइम फेवरेट, और अच्छे से अपने बेस को जो अच्छे से सेट कर लूँगी। और दिस इज़ द फाइनल लुक, रिक्रिएशन लुक। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको मेरी ये रिक्रिएशन लुक। और मैंने तो कोशिश बहुत की थी, बाकी ठीक ही लग रहा है वैसे। और दिस इज़ द फाइनल लुक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू इन्जॉय दिस वीडियो, और फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। Thank you.